काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। पानी पूरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। पानी पूरी का पूरा टेस्ट उसके पानी पे डिपेंड रहता है। तो आज मैं भी ऐसे ही दो पानी बनाने वाली हूँ जो बिल्कुल बाहर जैसे टेस्टी बनते हैं। एक खट्टा मीठा पानी और एक हरा तीखा पानी। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। पहले मैं यहाँ पे गैस पे एक तवा रखूंगी और उसमें दो चम्मच जीरा लेकर उसे अच्छे से भून लूंगी, यानी कि ड्राई रोस्ट कर लूंगी। आप देख सकते हो हमारा जीरा अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है, उसका पूरा कलर चेंज हो गया है। अब मैं उसे मॉर्टर पेसल में ले लेती हूँ। इसको हमें दरदरा सा पीसना है, पूरा पाउडर बनाना नहीं है। हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर रेडी है, इसे मैं दोनों पानी में यूज करने वाली हूँ। पहले हम हरा तीखा पानी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने वॉश किया हुआ एक बाउल धनिया पत्ता लिया है और मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता से आधा पुदीना लिया है, उसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो हरी मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हो। इस सब को हम मिक्सी जार में लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हो हमारी पेस्ट अच्छे से रेडी हो गई है। तीखा पानी बनाने के लिए एक बाउल में रेडी की हुई पेस्ट दो चम्मच डालूंगी। ध्यान रखें कि हमने टोटल जो पेस्ट रेडी की है उससे करीबन 700 से 800 ml पानी बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कम पानी बना रही हूँ तो एक ग्लास पानी ऐड करूँगी। को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए और मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच में काला नमक ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आधी चम्मच में यहाँ पे नमक ऐड करूंगी और यहाँ पे हमने जो रेडी किया था भुना हुआ जीरा वो एक चम्मच में इसमें ऐड करूंगी। भुना हुआ जीरा पानी में जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक चम्मच में यहाँ पे रेडी पानी पूरी का मसाला ऐड कर रही हूँ। जो आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह पे आप चाट मसाला या फिर जलजीरा पाउडर डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे पानी को थोड़ा खट्टा बनाने के लिए दो चम्मच नींबू का रस ऐड करूँगी। ये हमारे सारे मसाले को अच्छे से बैलेंस कर लेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आपको पानी में थोड़े से दाने दाने दिख रहे होंगे, तो ये आपकी चॉइस है। आपको इसको छान के यूज़ करना है या फिर बिना छाने भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ी बूंदी डाल दूंगी, यानी कि पूरा बाहर के जैसा दिखेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, आप इसको जब भी बनाओ तो 5-6 घंटे पहले बना के उसको फ्रीज में रख के ठंडा करके खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा हरा तीखा पानी। अब हम बनाएंगे खट्टा मीठा पानी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 50 ग्राम बिना बीज की इमली को गर्म पानी में आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हो ये अच्छे से भीग गई है। अब मैं इसको मिक्सी जार में लेके उसकी पेस्ट बनाऊंगी। हमारी पेस्ट रेडी है, आप देख सकते हो, लेकिन अभी भी इसमें थोड़े बहुत रेसे बचे हैं। तो आप जिस बर्तन में इस पेस्ट को बनाने वाले हो उसी बर्तन में इस पेस्ट को हम छान लेंगे। तो इस पेस्ट को ऐसे छन्नी में लेकर एक कोई चम्मच से आप इसे अच्छे से घिस के इसकी पेस्ट को निकालो, यानी कि जो बचे हुए रेसे होंगे वो बाहर निकल आएंगे। आप देख सकते हो कि सारे बचे हुए रेसे यहाँ पे निकल गए हैं। इस बर्तन को गैस पे मीडियम फ्लेम पे मैं रखूंगी और अब इसमें मैं गुड़ ऐड करूंगी। आप गुड़ की जगह पे चीनी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं दो चम्मच नेचुरल गुड़ यूज़ करने वाली हूँ। आप इसकी जगह पे कोई भी गुड़ यूज़ कर सकते हो। और हाँ, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें और मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच में यहाँ पे भुना हुआ जीरा ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच काला नमक ऐड कर रही हूँ, एक चौथाई चम्मच यहाँ पे हींग ऐड करूँगी। हींग से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसे ज़रूर आप डालना। एक चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, यानी कि हमारे खट्टे मीठे पानी में थोड़ा तीखा टेस्ट आ जाए। और यहाँ पर मैं आधा चम्मच धनिया पाउडर
जिंजर ऐड करूँगी और थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करूँगी। इस सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक ज़्यादा पकाएंगे। एकदम रेडी हो गई है और ये ठीक भी हो गई है, आप देख सकते हो। अब मैं उसे एक बाउल में ले लेती हूँ। हमारी पेस्ट ठंडी भी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसे खट्टा मीठा पानी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं 5 से 6 चम्मच पेस्ट डालूँगी। यानी कि ध्यान रखें कि टोटल हमारी जो पेस्ट बनाई है उससे करीबन 700 से 800 ml पानी बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कम पानी बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी बूंदी ऐड कर दूंगी, यानी ये और टेस्टी हो जाए। तो रेडी है हमारा खट्टा मीठा पानी। इमली की पेस्ट को एयर टाइट जार में भर के फ्रिज में रख कर इसे स्टोर भी कर सकते हो और कोई भी चाट या समोसे के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। हरे तीखे पानी को भी आप स्टोर कर सकते हो। इसे आप आइस क्यूब ट्रे में लेकर फ्रीजर में रख दे और इस क्यूब को आप 1 से 2 दिन तक यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे दोनों पानी, एकदम टेस्टी ऐसा खट्टा मीठा पानी और हरा तीखा पानी। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं इस पानी को पूरी में लेकर दिखाती हूँ। अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। सच में फ्रेंड्स, आप ऐसा पानी घर पे बनाओगे तो बाहर का पानी बिल्कुल भूल जाओगे। तो इसे एक बार ज़रूर बनाना।